जिलाधिकारी बदायूं ईओ के निर्देशन में उछाने में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान और पहले दिन ही पछड़े में पड़ गया। आपको बता दें, मामला जनपद बदायूं के उरझानी का है, जहां जिला अधिकारी बदायूं के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ को लेकर नगर निवासी एक पार्टी के युवा नेता और नगर पालिका के कर्मचारियों से पक्षपात को लेकर विवाद हो गया। उझानी में कचला रोड पर एक पार्टी के युवा नेता और नगर पालिका में तैनात अनुसूचित जाति के बाबू में दुकान की टीन हटाने पर विवाद शुरू हुआ। विवाद होने से सभी पालिका कर्मचारी अभियान रोक कर नगर पालिका में एकत्रित हुए, जहां नगर पालिका लिपिक संजय कुमार और विकास का आरोप है कि युवा नेता द्वारा जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इधर स्टाफ के आरोप और नेता के करतूत को पालिका ईओ डीके रॉय ने गंभीरता से लेते हुए उन्होंने लिपिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार तथा चेयरमैन को बोले गए शब्दों की बात आरोपी नेता के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इतना ही नहीं, उझानी नगर पालिका ईओ डीके रॉय ने कोतवाल को एक लेटर जारी कर युवा नेता और चार अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पहल की। अतिक्रमण मुद्दे पर उझानी में उपजे इस विवाद में अब समय बताएगा कि युवा नेता पर एफआईआर होगी या फिर पार्टी के बड़े नेता पालिका पर, या फिर अंदरूनी दबाव डालकर समझौता करा देंगे। फिलहाल पालिका कर्मी कार्यवाही को लेकर एकजुटता के साथ हड़ताल पर आमदा है। क्या मामला है? मामला यह है कि आज साहब के निर्देशन में सफाई अभियान चलाया, वो अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें हमने स्टेशन रोड और कचला रोड पर अभियान चलाया। जैसे ही हम कचला रोड पर कस्य पुलिया के नज़दीक पहुँचे, वहाँ पर संजीव गुप्ता जो है, उन्होंने कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और हमारे लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जान से मारने की धमकी भी दी। क्या नाम आपका? संजय कुमार गौतम, नगर पालिका लिपिक। क्या मामला है? अतिक्रमण के दौरान हमने वहाँ जब जो गाली गलौज की जा रही थी, तो मैं उसका वीडियो बना रहा था, उसने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे पर हाथापाई करने के साथ में गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द बोले। मैं विकास मथुरिया लिपिक, नगर पालिका उछानी।